नमस्कार, बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के मैप के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी कि झारखंड में कितने जिले हैं और साथ ही झारखंड में कितना प्रमंडल है और किस किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है। तो चलिए तब हम लोग यहाँ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में अगर हम मैप में देखें तो ये जिला पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम ये कौन सा जिला है? ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के बाद हम लोग देखेंगे कि ये वाला भाग ये कौन सा जिला है? ये है पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला है ये? ये है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के बाद हम लोग इधर देखेंगे तो ये कौन सा जिला आता है? ये आता है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद हम लोग इधर ये वाला क्षेत्र जाएंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये वाला भाग कौन सा है? ये खूंटी जिला। खूंटी जिला, खूंटी जिला से इधर अगर हम लोग जाएंगे तो ये कौन सा जिला आता है? ये आता है रांची जिला। जिला रांची, और रांची जिला से यहाँ पे ये छोटा सा भाग ये है जिला रामगढ़। और रामगढ़ जिला से इधर हम लोग देखेंगे ये कौन सा जिला है? ये है बोकारो जिला। बोकारो जिला से ही इधर सटा हुआ है कौन सा जिला? ये है धनबाद जिला। और धनबाद जिला से आगे ये कौन सा जिला है? ये है जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला, और जामताड़ा जिला से इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा जिला है? ये है देवघर जिला। जिला देवघर, और देवघर जिला से यहाँ सटा हुआ है वो कौन सा जिला है? ये वाला, ये कौन सा जिला है? ये है दुमका जिला। और यहाँ है ये गोड्डा जिला। और गोड्डा जिला से इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला भाग ये कौन सा जिला है? ये है साहेबगंज जिला। और यहाँ पे ये वाला भाग ये है पाकुड़ जिला। अब हम लोग इधर पश्चिमी सिंहभूम से इस वाले भाग में जाएंगे, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में कौन सा जिला है? पश्चिमी भाग में है ये जिला सिमडेगा। जिला सिमडेगा के उत्तरी भाग में कौन सा जिला आता है? उत्तरी भाग में आता है ये गुमला जिला। कौन सा जिला? गुमला जिला आता है। और गुमला जिला से ही और यहाँ सटा हुआ है वो कौन सा जिला है? ये है लोहरदगा जिला। जिला लोहरदगा, और लोहरदगा से इधर गुमला और लोहरदगा से आगे हम लोग अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा जिला है? ये है लातेहार जिला। जिला लातेहार, और लातेहार जिला से ठीक
उत्तर की ओर ये कौन सा जिला आता है? ये है गढ़वा जिला। जिला गढ़वा, और गढ़वा जिला से ही फिर ये वाला क्षेत्र कौन सा जिला आता है? ये है पलामू जिला। जिला पलामू, पलामू जिला से यहाँ पे सटा हुआ है ये कौन सा जिला है? ये है चतरा जिला। जिला कौन सा? चतरा। और चतरा जिला से यहाँ सटा हुआ है इस प्रकार ये कौन सा जिला है? ये है जिला हजारीबाग। और हजारीबाग से इधर हम लोग देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र ये कौन सा जिला है? ये है कोडरमा जिला। जिला कोडरमा, और कोडरमा जिला का ही इधर पूर्वी तरफ अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये कौन सा जिला आता है? ये है गिरिडीह। गिरिडीह जिला, यहाँ हम लोग झारखंड का एक पूरा नक्शा बना लिए। और झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? तो टोटल 24 जिले हैं। अब हम लोग इसी नक्शा में ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पलामू प्रमंडल से। पहला है पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल को हम लोग इस चिन्ह से सूचित करेंगे। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत गढ़वा जिला, पलामू जिला और लातेहार जिला, ये 3 जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिला? ये गढ़वा जिला, ये पलामू जिला और ये वाला लातेहार जिला। ये 3 जिला ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रमंडल के बारे में देखेंगे, और दूसरा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इस चिन्ह से सूचित करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत ये सभी कोडरमा जिला, सबसे पहले देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कोडरमा जिला आता है, चतरा जिला आता है, फिर इधर हजारीबाग जिला आता है, ये गिरिडीह जिला आता है, ये बोकारो जिला आता है, ये धनबाद जिला, ये रामगढ़ जिला। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इसे हम लोग इस चिन्ह से सूचित करेंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है ये हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है रांची जिला। ये रांची जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये लोहरदगा जिला, ये लोहरदगा जिला भी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर इधर हम लोग देखेंगे ये गुमला जिला, जिला गुमला भी ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और ये सिमडेगा जिला, ये जिला सिमडेगा, ये भी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और खूंटी जिला,
जिला खुटी, ये भी दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ टोटल दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं? रांची जिला, लोहरदगा जिला, गुमला जिला, सिमडेगा जिला और खूंटी जिला। ये पांच जिला आते हैं दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे कोलाहान प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं। चौथा है कोलाहान प्रमंडल को हम लोग इस चिन्ह से सूचित करेंगे। यहां कोलाहान प्रमंडल के अंतर्गत देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये तीन जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीन जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीन जिला आते हैं कोलाहान प्रमंडल के अंतर्गत। अब पांचवा प्रमंडल के बारे में देखेंगे और पांचवा प्रमंडल कौन सा है? वो है संथाल परगना प्रमंडल। पांचवा प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल और इसे हम लोग इस चिन्ह से सूचित करेंगे। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है ये हम लोग मानचित्र में देखेंगे। तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ये साहेबगंज जिला, ये गोड्डा जिला, ये पाकुड़ जिला, ये दुमका जिला, ये जामताड़ा जिला और ये देवघर जिला। ये छह जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये छह जिला आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। कौन कौन से? साहिबगंज जिला, गोड्डा जिला, दुमका जिला, पाकुड़ जिला, देवघर जिला और जामताड़ा जिला। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक मैप का, झारखंड के मैप का पूर्ण रूपेण हम लोग अध्ययन किए कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, साथ ही यहाँ पांच प्रमंडल में बटा हुआ है और पांच प्रमंडल के अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। दोस्त, हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।